बेबियापुर बेला रोड पर 132 केवी विद्युत सब स्टेशन असेनी में तैनात लिपिक देव कुमार को विजिलेंस टीम ने 10,000 रुपए लेते हुए गिरफ्तार कर लिया। विद्युत विभाग कार्यालय में टीम की औचक छापामारी से कार्यालय में अफरा तफरी मच गई। बाबू को दिव्यापुर थाना लाकर टीम ने मुकदमा दर्ज कराया एवं अपने साथ ले गई। पकड़ा गया आरोपी शिकायतकर्ता से बिल संशोधन कराने के लिए कई दिनों से 15,000 संशोधन करने के नाम पर मांग रहा था। ओमजी राणा सहायल रोड निवासी ने बताया कि उसके पिता के नाम पर बिजली का एक घरेलू कनेक्शन है, जिसका बकाया बिल बिजली विभाग ने गलत तरीके से लगभग 74,000 बिल निकाल दिया। इस संबंध में न्यायालय में उपभोक्ता फोरम भी चल रहा है। अधिशासी अभियंता कार्यालय में तैनात लिपिक ने 15,000 बिल सही कराने के नाम पर मांगे थे। उसने मौके पर जाकर लिपिक को 10,000 रुपए रिश्वत के रूप में पकड़ा दिया। जैसे ही लिपिक ने पैसे लिए, उसी समय एंटी करप्शन टीम ने उसे रंगे हाथ पकड़ लिया और बरामद की गई रकम को कब्जे में ले लिया। विजिलेंस विभाग टीम के इंस्पेक्टर विजयन सिंह रामपाल, उप निरीक्षक प्रेम कुमार, महिला पुलिस मधु यादव ने मौके पर पहुंचकर देव कुमार बाबू को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया एवं दिव्यापुर थाने ले आए। इस दौरान यूटा के रमाकांत शुक्ला, प्रदेश संयुक्त महामंत्री यूटा सुधांशु, मोहन संरक्षक यूटा विजय पटेल, प्रवक्ता कोषाध्यक्ष यूटा राजीव राजपूत आदि कई पदाधिकारी इस दौरान थाने में मौजूद रहे। और ये थे संवाददाता एसके यादव की रिपोर्ट। बिजली विभाग द्वारा आपसे कुछ रुपए मांगने का मामला सामने आया, क्या है पूरा मामला? मामला ये था कि एक हमारा घरेलू कनेक्शन था, उसका जो है विद्युत बिल संशोधन होना था, तो उसके एवज में हमसे 15,000 रुपए की मांग की थी और आज हमने उनको 10,000 रुपए दिए। उनके पैसे में नहीं है समय और उनको हमने एंटी करप्शन टीम कानपुर के द्वारा रंगे हाथों पकड़वा दिया। और इसमें हमारा जो संगठन है डिस्ट्रिक्ट लेवल, हाँ राज्य स्तर पर यूटा 1739 उसकी विशेष मार्गदर्शन में उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री शिवराज सिंह सिकरवार, प्रदेश अध्यक्ष श्री विक्रांत सिंह पटेरिया जी के द्वारा हमारा विशेष सहयोग किया गया, मार्गदर्शन किया गया कि किस तरीके से आप लोग शिकायत करें। बिल संशोधन करने के नाम पर जो पैसे देने वाला अधिकारी है, क्या नाम है उसका और क्या पोस्ट थी? देव कुमार जी लिपिक। उन्होंने आपसे कहाँ से है निवासी? अच्छा, तो बिजली विभाग में आप कार्यरत हैं? जी। किस पद पे? DG2 कैसे हैं? अच्छा, तो आज का क्या मामला है ये? इससे मेरी कोई बात नहीं हुई, इसने 2 बार फोन किया मेरे पास, बोला कि गांव जा रहे हैं और वो बिल जमा करने गए हैं। जी, तो क्या ठीक है जमा कर दो, आके पैसे नहीं है उसने जमा करने के लिए, हमने जमा कर देते हैं। पीछे कैश काउंटर वहीं गया, वहीं पर बुलाया जमा करने के लिए, जैसे पहुँचे तो पहले से ही इसने जो नहीं, तो जो पैसा आपको दिया गया क्या उसकी रसीद आपने दे दी है उपभोक्ता को? रसीद का मौका ही नहीं मिला सर, जैसे ही आपके पास पैसा जमा हुआ। आप क्या कहना चाहेंगे इसमें? कहना क्या चाहिए, तो सब गलत है और जो भी है इसने जानबूझ के जो भी है, इससे कोई पैसे वैसे की बात नहीं हुई मेरी। अभी अगर आते हैं तो मेरी बात करा दी जाए एक बार फेस टू फेस, अगर पैसे मांगा हो हमने तो कुछ है, मांगा ही नहीं हमने पैसे ना। इसने मेरे पास बात की है, फ़ोन किया है इसने मेरे पास, हमने इसे पूछा है किस लिए मिलना है, क्या बोला हमें पैसे जमा करने हैं, जमा कर दूँगा कि पैसे जमा करने हैं। पैसे तो वैसे नीचे कैश काउंटर पर जमा होते हैं, आप तो शायद ऊपर बैठते हैं। नीचे ही है, कैश काउंटर में ही थे आज। तो कैश काउंटर में ही आप पकड़ा गया पैसा आपसे? कितना? 10,000। 10,000 ही दिए थे। बिल कितना बाकी था जिसका जमा होना था? इसका हमें नहीं पता कितने का है, लेकिन फिलहाल वो बोले 10,000 जमा करना, 10 कर दो, बिल अगर तुम्हारा